मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगेसस मोदी सरकार डाल सकती है, आपकी बेटी आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी आपकी पत्नी आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगेसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? आज देश के प्रधानमंत्री खुद और गृह मंत्री खुद अगर लोकतंत्र में विरोधी पार्टियों के नेताओं की जासूसी करना और बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं, इसका सबूत मिला है और वो आपके सामने तफसीली के साथ वो रखे हैं। यहाँ तक भी नहीं, हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम है, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के, तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.